आप देख सकते हैं कि एक भी जड़ी बूटी यहाँ पे नहीं उगी, ना तो इट सीट उगी है और ना ही कोई और जड़ी बूटी जो उगने वाली थी वो भी नहीं उगी, यानी कि मुकम्मल तौर पे क्लीन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत सारे किसान दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हम तिलों पे कोई उगने के बाद चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी मार जहर स्प्रे कर सकते हैं या नहीं, और अगर अवेलेबल है तो कौन सी कर सकते हैं या कोई और तरीक़ेकार। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरे नॉलेज के मुताबिक है, मैंने आप लोगों को वहाँ पे भी आंसर दिया था, लेकिन मैंने चांदे के तजर्बात किए थे अपने इन तिलों पे, वो भी आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं जो है उसकी डिटेल थोड़ी सी आपको बता दूँ, फिर आपको जो है उन तजर्बात की जगह भी दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि रिज़ल्ट क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो तिल है, मेरे तिलों में ज़्यादातर जो जड़ी बूटियों का अटैक होता है वो चिबड़ होते हैं, इट सेट होती है, ये दो ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ उगती हैं। चिबड़ जो हैं, चिबड़ों की बेलें जो हैं, वो आम तौर पर जब हम बीज लगा देते हैं छट्टे के ज़रिए तो उसके बाद उगना शुरू हो जाती हैं। आम तौर पर हम उसको लेबर के ज़रिए जो है हाथों से निकलवा देते हैं, कुछ पहला पानी लगाने से पहले जितनी उग चुकी होती हैं, और जो बाद में उगती हैं उनको पहला पानी लगाने के फ़ौरन बाद जो है चुनाई कर देते हैं। लेकिन जो इट सेट का है, इट सेट मसले क्रिएट करती है, इट सेट जो है वो आमतौर पर पहला पानी लगाने के बाद ऐसे उगती है जैसे सर के बाल उगते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उग जाती है। तो अगर तो तिलों की ग्रोथ अच्छी चल रही हो तो वो नीचे दब जाती है, लेकिन अगर ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुराक जो है इस्तेमाल कर लेती है। तो इसको रोकने के लिए कि क्या हम जो है तिलों में पहले पानी के साथ कोई ऐसी जहर जो है वो स्प्रे कर सकते हैं पहले पानी लगाने के प्री इमरजेंसी, यानी कि तिल उगे हुए हैं लेकिन जड़ी बूटियां इट सेट वगैरह अभी नहीं उगी, तो अगर उनके ऊपर कोई ऐसी जहर स्प्रे कर दी जाए जो तिलों को स्ट्रेस ना दे लेकिन जड़ी बूटियों को उगने से रोक दे, यानी कि स्पेशली इट सेट को उगने से रोक दे, या फिर हम कोई ऐसी जहर फ्लड कर सकते हैं जो यही अमल कर सके कि जड़ी बूटियों को उगने दाते। तो इस तरह से मैंने दो तजर्बात किए थे। एक तजर्बे में मैंने पेंडी मैथलीन को जो है वो पानी लगा के उसमें फ्लड किया था, यानी कि जब पानी लगा रहे थे पहला पानी तिलों को तो उसके साथ फ्लड किया था, और दूसरे तजर्बे में मैंने पानी लगाने के बाद पेंडी मैथलीन का स्प्रे किया था। तो दोनों ही तजर्बात जो हैं वो आपको दिखाता हूँ उस जगह पर ले जाके। तो दोस्तों ये है वो जगह जहाँ पे पेंडी मैथलीन का स्प्रे किया गया था, यानी तिल उगाए थे और उसके उगने के बाद जो है यहाँ पे पेंडी मैथलीन का स्प्रे किया गया था, ताकि जो है वो तिलों जो अब उगाए हैं तो जड़ी बूटियाँ ना उगें। इसका ये जो इफ़ेक्ट है, आप देख सकते हैं कि एक भी जड़ी बूटी यहाँ पर नहीं उगी, ना तो इट सेट उगी है और ना ही कोई और जड़ी बूटी जो उगने वाली थी वो भी नहीं उगी, यानी कि मुकम्मल तौर पे क्लीन है। लेकिन यहाँ पे तिलों पे आप जो इफ़ेक्ट देख सकते हैं कि तिलों पे अच्छी खासी स्ट्रेस आई है, तिलों के पत्ते जो हैं वो चुड़मुड़ गए हैं, और ये आप देखें ऐसे दबाते हैं तो ये टूटते भी हैं, और इनके ऊपर ये नेक्रोसिस सी अभी जो है तिलों के ऊपर अभी तक स्ट्रेस आ रही है। तकरीबन ये इस एक्सपेरिमेंट को किए हुए तकरीबन 25 से 30 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी जो है इसके ऊपर अच्छी खासी स्ट्रेस पेंडी मैथलीन के स्प्रे की शो हो रही है। तो ना तो इसके ऊपर कोई फली लगी है और ना ही ये एक आध जो फ्लावर लगा है वो भी गिर रहा है। तो यहाँ से ये ज़ाहिर होता है कि पेंडी मैथलीन का जो स्प्रे है वो तिलों को मारेगा तो नहीं, लेकिन उसके ऊपर नुकसान बहुत ज़्यादा कर जाता है, फलियाँ नहीं लगती और इस तरह की स्ट्रेस आ जाती है जो कि तिलों को पैदावार को बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकती है। अब दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था कि जिसमें मैंने पेंडी मैथलीन को फ्लड किया था, उसमें भी आपको ले चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दूसरे तिल दिखा देता हूँ ताकि आपको वो भी पता लगे। ये जो दूसरे इसके साथ वाले तिल हैं जहाँ पे पेंडल मैथलीन या कोई भी जो है स्प्रे नहीं किया गया जड़ी बूटी मार जहर, तो वहाँ पे जो है तिल नॉर्मल कंडीशन में खड़े हैं और वहाँ पे फलियाँ भी जो हैं वो लग रही हैं, फूल भी लग रहे हैं और सारा कुछ जो है वो नॉर्मल चल रहा है। अब आपको दूसरी जगह पे ले चलते हैं जहाँ पे आपको जो है हमने पेंडी मैथलीन को फ्लड किया था। तो दोस्तों ये है वो जगह जहाँ पे पेंडी मैथलीन को फ्लड किया गया था, स्प्रे नहीं किया, स्प्रे करने के बजाय फ्लड किया गया था। तिल उस वक्त उग चुके थे, पहला पानी इसको जब लगाया गया तो पेंडी मैथलीन को फ्लड किया गया था कि इसमें जड़ी बूटियाँ ना उगें। तो जड़ी बूटियाँ तो नहीं उगी लेकिन तिल भी सारे के सारे फौत हो गए थे, मर गए थे। अब कोई कोई तिल जो है यहाँ पर बचा है, यानी कि फ्लड करने से पहले पानी के साथ पेंडी मैथलीन को तिल जो है वो तकरीबन 80% तिल जो है यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं और सिर्फ ज़मीन जो है वो बची है और बाकी कुछ छोटे छोटे तिल खड़े हुए हैं।
तो ये सूरत हाल है दोस्तों कि पेंडीमेथिलीन को ना तो हम खड़े तिलों में फ्लड कर सकते हैं और ना ही स्प्रे कर सकते हैं। ये इस तजर्बे का एक नतीजा निकला है। मैंने चूंकि आधा आधा मरला दोनों पे किया था, आधा मरला स्प्रे के लिए और आधा मरला जो है वो फ्लड के लिए, तो एक मरले पे मेरे ये दोनों तजर्बे कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों यहाँ से आप नतीजा खज कर सकते हैं कि पेंडीमेथिलीन का जो ना तो स्प्रे है और ना ही फ्लड है जब तिल उगाएँ। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।